18 साल की थी, मतलब 2018 में मेरा रिश्ता पक्का हुआ था। मेरी पढ़ाई भी वही टाइम पे कंप्लीट, 10th कंप्लीट हुआ था और रिश्ता कंप्लीट पक्का हो गया था। मुझे पढ़ना था, मैंने बहुत बोली माँ मम्मी को भाई को सबको बोली, पर वो लोग बोलते नहीं, तो मेरा रिश्ता अगले साल ही पक्का हो चुका था। तो मैं ऐसी रिश्ता पक्का होने के बाद मेरे को पूछे कि तुमको मतलब करना है या नहीं, तो वो टाइम में मुझे उतनी समझ नहीं थी कि मुझे करना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने वो टाइम पे तो हाँ, पर मुझे कुछ समझा नहीं कि हाँ बोल तो दी मैंने। मेरी जब ये प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो यूनिसेफ की मीटिंग में एक दो बार गई थी, वहाँ पे यूनिसेफ के कोऑर्डिनेटर्स आते थे, वहाँ पे समझाते थे बहुत अच्छे से चाइल्ड मैरिज के बारे में। पहले फर्स्ट यही बताए थे कि एज कम होने से प्रॉब्लम होती है, कमज़ोरी आती है पहली सबसे फर्स्ट। सेकंड उन्होंने शादी के बाद बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद में वो बच्चे होने के बाद में कितने प्रॉब्लम होते हैं, मतलब कि बताए थे वो, बहुत सारे बताए थे। मीटिंग में से आने के बाद माइंड थोड़ा चेंज हुआ कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तो मैंने भाई को जाके समझाया कि भाई ऐसा ऐसा है। बहुत समझाई मैंने भाई को कि भाई यूनिसेफ के मीटिंग में मैं गई थी, ऐसा ऐसा उन्होंने बोले कि जल्दी शादी होगी तो ये साइड इफेक्ट होंगे। तो जाके भाई ने मेरी बात मानी, फिर भाई ने अम्मी से बात की, अम्मी को बोले कि नहीं ऐसा नहीं कर, बच्ची की इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए, अभी फ़िलहाल कॉम्प्लिकेटेड भी होगी उसको। फिर भाई माँ अम्मी को मनाए, अम्मी को मनाने के बाद अम्मी ने फिर अब्बू को मनाए, अब्बू भी नहीं मान रहे थे। समाज के हिसाब से अब्बू बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं करना चाहिए, अभी ऐसा होगा तो फिर रिश्तेदारी में बात है, फिर वापस रिश्ता होगा क्या नहीं होगा। तो भाई ने बहुत अच्छे से मनाए अम्मी अब्बू को, जब जाके ये बातें कि अब्बू माने। मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है यूनिसेफ के कोऑर्डिनेटर्स बशरीन शेख, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प की, और मेरे भाई ने। मैं तो सबसे अच्छा यही बोलूँगी समाज को कि अपनी बच्चियों को इतनी घाई मत कीजिए कि शादी करने के लिए, कि एक बार 18 साल की हो गई उसके बाद में बस उनके लिए बोझ नहीं होना चाहिए वो लड़कियाँ। वो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को आगे चल के सपोर्ट करे, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़का ही सपोर्ट कर सकता है माँ बाप को, लड़कियाँ भी तो सपोर्ट कर सकती है ना। तो यही सोच बदलने के लिए वो लड़कियों को तो मैं यही बोलूँगी कि जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होते शादी ही मत करो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है आगे चल के लाइफ में।